हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो गाइस, तो सुबह सुबह का टाइम है और ये हम मीशो से मंगाए हैं। हमको तो आदत ही है मीशो से मंगाना, तो अभी कुछ चल रहा था सेल, तो सेल में हम सोचे कि कुछ मंगा लें। वैसे हमारा प्रचार नहीं है भाई, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, उतना प्रचार जिनका है वो अपना प्रचार कर रहा है, लेकिन हमारा नहीं है। ये हम अपने से मंगाए हैं तो सोचे हैं कि आप लोगों के सामने रख कर दिखा दें क्या मंगाए हैं। और घर सजाने वाला सामान ना हमको बहुत अच्छा लगता है, डब्बा हो या कुछ कुछ। तो अभी एक वो वहाँ लगाए हैं झूमर, दिखा दो पास से ले जाकर, बड़ी खूबसूरत है। किसके नाम का है? सचिन राज। तो वो ऑर्डर किया है लोग, सब सचिन राज का है। तो इसमें पैसा लगा है 114 का है, मैंने 174 रुपये का था जी। और आगे क्या है? 294 का। ये किसके नाम का है? सचिन राज। वो तो पैसा सब पेमेंट करके मंगाता है सब। पैसा क्यों ले लिया? 294 रुपये का है। चलो भाई, वीडियो दे दिया हम करे। तो हो गया प्रैंक, और प्रैंक में हो गया कि ये पार्सल है दूसरे का और हम खोल रहे हैं। जैसे सचिन मनीषा मंगाया है लोग, तो हम खोल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो लोग फिर से खोल के अपना दिखाएगा, अनबॉक्सिंग करेगा। तो अभी हमारा वीडियो आएगा लेट ले, कहीं हो सकता है कि वो पहले डाल देगा लोग, तो आप लोग जाके देखिएगा उनको। और अभी चल रहे हैं जल्दी से अपना ड्यूटी में काम करने, अब 8 बजने वाला है। तो मन कल से थक गया था, तो आज फिर से जा रहे हैं नए नए जोश, नए उमंग और नए हौसला के साथ, नए हौसला के साथ नई उड़ान। आप लोग भी मेरे साथ उड़ान भरिए और खूब हेल्दी रहिए। हम बोलते हैं ना कि जैसा आप अपने शरीर को बनाएंगे वैसा ही बनेगा। तो आप अगर चाहेंगे कि हम अपना काम स्वयं करें, तो स्वयं पहले कौन पूजा करता है काला कपड़ा पहन के? अरे वैसा ही लोग बोलता है, सब कलर पहनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा लगे वो पहनना चाहिए। गणेश भगवान का मनीषा धो दो, अंदर है मंदिर में, 8 बजने को गणेश, वहाँ से गणेश भगवान को उठा के मंदिर में रख दिए, ले गई मनीषा। तो देखिए गाइस, कल देखे हैं पूजा जी का ब्यूटी टिप्स जो हैं, पूजा जी उनका बात मुझे बहुत अच्छा लगा कल का। और ये होती हैं बेटियां, बेटियां जहां रहेंगी वहां कोई दिक्कत नहीं होगा। बेटी का बेटी ही एक बहू का रूप होता है, बेटी ही एक माँ का रूप होता है, बेटी ही एक पत्नी का रूप होती हैं, बेटी ही घर के लक्ष्मी होती है। तो देखिए गाइस, हर जगह उसका स्थान बनाया गया है, और कौन स्थान किसका है वो बेखूबी निभानी चाहिए हम बेटियों की। तो चलिए आगे। बहुत अच्छा लगा कल आपका वीडियो देखे रात में, समय तो दिन में नहीं था, लेकिन रात में जब हम 10 बजे सोने गए बेड पे, तो देखे कि आप डाली हुई थी फ़ोटो के लेके कि सचिन, अगर हम लोग आपका फ़ोटो यूज़ करते हैं तो आप हम लोग को बोले हैं स्ट्राइक देने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भद्दा भद्दा कर रहा है, जो फ़ोटो का यूज़ करके फालतू फालतू बात लिख रहा है, उसके लिए तो करना पड़ेगा। अब हम भी इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चे लोग हैं, अपना सब देख रहा है, समझ रहा है क्या नियम कानून है, क्या क्या है, हमको तो उतना कुछ आइडिया है नहीं, बस वीडियो बनाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं, और थंबनेल वगैरह बना देते हैं। इसके अलावा मोबाइल में हमको उतना कुछ आइडिया नहीं है, ना मालूम है कि क्या करना चाहिए, ये लोग अपना समझेगा। वैसे हम बहुत बार बोले भी हैं कि खैर कोई बात नहीं है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, एक दिन खुद ही सबको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सही और गलत। तो आप लोग भी अपना खूब हौसला रखिए, और आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए। और आप बोली हैं कि आंटी जी का जल्दी से 1 मिलियन हो जाए,
आप इतने अच्छे कंटेंट देती हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और मेरा पर्सनली आप लोग वीडियो देखती हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू है, धन्यवाद है। और आप लोग भी खूब मेरे पीछे पीछे मेहनत कीजिए और देखिए कोई उम्र नहीं होता है, काम करने का कोई सीमा नहीं होता है, जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोग भी कीजिए। और यही कारण है कि हम इस उम्र में भी हम सोच रहे हैं कि मेरे जैसा बेटी बहू सब लोग करें, आप लोग भी करें। और देखिए ये तो फैमिली है, कभी कुछ होते रहेगा, अगर नहीं हो तो भी लाइफ कोई अच्छा नहीं होता है, नोक झोंक दुख सुख सब चलते रहता है, अगर केवल सुख ही सुख मिले तो दुख का अनुभव नहीं होगा, अगर दुख सुख मिलते रहे ना तो दोनों चीज़ का अनुभव रहेगा। जैसे कि रात और दिन होता है तब जाके आदमी को थोड़ा सा इत्मीनान होता है, और उसमें रात मिल जाता है तो रात को लोग सो लेते हैं तो मन शांत हो जाता है, और दिन होता है तो दिन में काम का बात रहता है तो काम आदमी करता है। तभी यहाँ मनीषा पूजा कर रही है और पूजा करते हुए देखिए ब्लैक कपड़ा पहनी है आज, इसको प्रमोशन करना है। यहाँ पे मनीषा कर रही थी पूजा, और पूजा करने के बाद आरती दिखा रही थी। तो चलिए, अपना कर्म ही पूजा है और काम अपना करते रहना चाहिए, कोई कुछ भी बोले। तो आज सोचे कि ये पर्दा आगे वाला जो था ना वो निकाल दे और दूसरा पर्दा यहाँ पे लगा दे, जो कि पहले था पर्पल कलर, तो उस पर्दे को लगाए हैं, छोटू से चढ़ के मदद करवा के ऊपर पर्दा लगा दिया है छोटू, फिर भी पाइप के द्वारा इसको चारों तरफ से ऊपर से कर रहे थे। और एक ख्याल आया मेरे मन में पर्दा को लेकर, सोचे कि कैसे इसको किया जाए कि सुंदर लगेगा देखकर। तो इसी तरह क्या है ना कि अपने शरीर पे भी कभी कभी चेंज करके कुछ कुछ अच्छा चीज़ पहनना चाहिए, ओढ़ना चाहिए, और बाल उल का डिजाइनिंग थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। इस तो हर बार कुछ अलग डिजाइन से बना रहे थे पर्दा का डिजाइनिंग, लेकिन इस बार सोचे कि कुछ अलग तरीके से बनाए, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे बना रहा है। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से इस बार सोचे हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा पर्दा हो जा रहा है तो हम क्यों ना इसको थोड़ा छोटा कर दें। और अभी थोड़ा अच्छे से इसको करेंगे, चूँकि अकेले करना भी है और ये दिखाना भी आप लोगों को थोड़ा सा। देखिए आप लोग कैसा ही दिख रहा है, और एकदम आसान है, इजीली है बनाना ऐसे डिजाइन, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें एक फूल लगा देंगे यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत लगेगा ना, ये अच्छा सा डिजाइन दिख रहा है आप लोग को, देखिए कैसा दिख रहा है। तो गाइस देखिए ऐसा कुछ डिजाइन इसका बनाया है पर्दा का, तो ये किस तरीके से बन रहा है वो चीज़ आप लोग को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले पर्दा को ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ इसको रखेंगे चूड़ी को, आप लोग देख सकते हैं आगे में रखेंगे ये चूड़ी, और कोई भी चूड़ी हो आप रख सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। और इसमें से इसको निकाल लेंगे, ये अपना जितने आप हिसाब से निकाल लीजिए, बड़ा छोटा जो आपको लगे वैसे निकाल लीजिए। देखिए कितना ईजी है ना, और ऐसे कर देंगे इसको चारों तरफ से फैला देंगे इसको, और इसको आप अच्छे से एकदम सेटिंग कर लीजिए फ्लावर के तरीके से, आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ जो है ना यहाँ फ्लावर लगा सकते हैं, यहाँ इस पे एक गुलाब का फ्लावर या कोई भी चीज़ का आप यहाँ लगा सकते हैं, तो वही ना, बस एक मिनट भी नहीं लगा और ये बन गया। तो थोड़ा सा कभी कभी चेंज करके ये सब करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, मेरा मानना है। अब आप लोग बोलोगे कि आंटी जी कैसे, तो देखिए अब प्यारा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है छोटू? बढ़िया मनीषा, ये डिजाइन कैसा लग रहा है देखो तो इसीलिए तो बोले हैं कि थोड़ा सूट कर लो, कैसे बना रहे हैं हम अपने बेटी और बहू लोग को सिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग इसको हम इसमें बांध देंगे पीछे से, और इसमें भी फ्लावर लाएंगे तो लगाएंगे, बाजार से लाएंगे। तो इसी तरह फिर हम इस पर्दे को कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं बना के। सो गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका डिजाइन कुछ इस तरीके का बन गया है, और कैसा लग रहा है बताइएगा। ये कॉटन थोड़ा बड़ा था ना, इसीलिए ऐसा किए हैं इसको,
और इसमें लगाएंगे बीच बीच में एक एक फूल, जो कि बहुत अच्छा लगेगा देख के।